आज हम गेट रेडी विथ मी शूट कर रहे थे, सो डू वॉच दैट गेट रेडी विथ मी. आज हम ना फर्स्ट टाइम मतलब ओ ये हम गेट रेडी विथ मी किए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मम्मी आज नहीं है तो उठ तो गया जल्दी, लेकिन मेरे से पहले कोई और उठ गया तो और ये भुजिया वगैरह काट दी. अंशु अंशु सुबह सुबह उठ गई 6:30 बजे ही और भुजिया काट दी सारा. अब भाई का भी आज एग्जाम है इसलिए वो उठ के नाश्ता वाश्ता बनाया नहीं. और दूध फट गया तो फिर सुबह पैकेट वाला दूध मंगवाना पड़ा हम लोग. सुबह सुबह ही दूध फट गया कैसे. और अब ये भी पढ़ाई कर रहा हूँ एग्जाम से. एग्जाम के दिन ही पढ़ाई कर रहा है, कोई फायदा नहीं एग्जाम के दिन पढ़ने से. मजाक कर रहे हैं, हम भी अभी जा रहे पढ़ने के लिए. जा रहे पहले चाय बना लेते हैं, या फिर अगर वो बनाएंगे तो सही है, नहीं तो हम बनाते हैं चाय. फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्जामिन ऑफ ये ओरिजिनल बुक्स, एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स, वाउचिंग, फिर बस ऑडिट प्लानिंग का मतलब होता है कि एक ये ऑडिटर जो ऑडिट करने जाता है पहले उसको अपना वर्क को प्लान कर लेना चाहिए ताकि वो एक अच्छे मैनेजर हो और प्लानिंग के साथ कंप्लीट हो ताकि ये होता है ये अभी पढ़ रहा है और अभी हमको और बनी को परेशान करेंगे. पूछो पूछो अभी हम उससे पूछो था बंद से पूछ रही हमको इतना पढ़ना है इसलिए हमको बोले कि हमको पढ़ना है भाई हमको पढ़ना है. वो तो बहुत गंदी है मिट्टी के अभी हमको अपना ही पढ़ना है और वो बोल रहा है कि उसका आप पूछो. अंशु पूछ के मम्मी नहीं ऐसा अजीब सा लग रहा है. आज आशी का बर्थडे है मेरी बेटी का. इतनी गुड़िया है ना वो, इतनी ज्यादा क्यूट. मतलब ऑब्वियसली अपना बच्चा सबको क्यूट लग रहा है लेकिन वो लिटरली बहुत क्यूट है. इतना इतना बोलती है ना कि क्या कहे, बहुत ज्यादा क्यूट है. उससे बात हो रहा तो हम उसका जरूर फोटो वगैरह डालेंगे अपने वीडियो में. हम उससे एक बार बात कर लेते हैं, आज उसका बर्थडे है ना. आज मम्मी घर में नहीं है तो शी इज आर मदर, वी हैव लिसन टू हर. चाय भी बना दी, भुजिया बना दी, आटा सान के रखा है, रोटी मैं बनाऊंगी. हम बनाएंगे, सही में हम बना देंगे. पर जा रहे हैं अभी हम थोड़ी देर तक हम पढ़ाई कर लेते क्योंकि ये मेरा भी एग्जाम है ना. चाय बना रही, पी लेंगे, एक दो सुन लेते हैं कुछ हम लेक्चर, उसके बाद रोटी बनाएंगे क्योंकि भाई को निकलना है 8:30 बजे तक निकलना है उसको. 9 बजे से उसका एग्जाम है. ये तो 9 बजे से एग्जाम होता है तो 9:45 तक निकलता है. बताओ मेरा 1 बजे से एग्जाम है, हम 11:45 में निकल जाता है, इसका 9 बजे से एग्जाम होता है 9:45 में निकलता है. डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय. हम जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए, बाल भी बांध लिए हैं और हाथ भी धो लिए अच्छे से. और रोटी बनाते बनाते हम अपना सुनेंगे संस्कारा बाय यू आर अनंत मूर्ति. तो हम रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते बट अभी हम दिखा देते हैं कि आई एम गोइंग टू मेक रोटी विच इज ट्रू. दिस इज द आटा, ये रहा आटा. तो हम जा रहे हैं रोटी बनाने और रोटी बनाते बनाते रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम सुन रहे हैं अनंत मूर्ति जी का संस्कारा जो मेरे सिलेबस में है. और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है पर इजी भी नहीं है, याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बहुत सा हम ना ये सुनते सुनते रोटी बना लिए और सुनते सुनते थोड़ा सा घर को भी अरेंज कर लिए. नहीं तो फिर चले जाते तो अंशु को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता. झाड़ू हम नहीं किए, झाड़ू वही करेगी. एंड जा रहे जल्दी से ब्रश कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हम नाश्ता नहीं किया. और कितना टाइम हो गया, 9:30 हो गया आई गेस. हाँ 9:20 हो रहा है. तो ब्रश करके नाश्ता कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं जल्दी से ताकि हम आराम से फिर बैठ के पढ़ सकें. हम जा रहे हैं ब्रश कर लेते हैं उसके बाद हम एंड आज ये नाश्ता है दही, ये भिंडिया भुजिया जो अंशु बनाई है और आलू का, एंड ये पराठा जो हम बनाए. मम्मी जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही खाना बनाते हैं, कुछ तुम बना लो कुछ हम बना लेते हैं क्योंकि सब एक साथ तो एक जन तो खाना बनाएगा नहीं साथ, अलग अलग. और हम टेस्ट कर लिए भुजिया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है. कड़ा है आलू स्टिल टेस्टी बहुत ज़्यादा. मम्मी के एब्सेंस में खाना पीना मिल जाता ना वही बहुत हो जाता. आता है हम लोग बनाने लेकिन हम लोग ना मतलब पता है क्या हो जाता. हर बच्चा ऐसे करता, मम्मी रहेगी तब बना लेंगे अगर बोलेगी तो, लेकिन नहीं रहते ना तो एकदम आलस एकदम वैसा हो जाता है कि हरे क्या खाएंगे हम लोग. हम लोग तो 2 साल के बच्चे, हम लोग तो कुछ नहीं आता है. मम्मी हम लोग को खाना दिए भी ना चली गई, ऐसा फील होने लगता है. तो हम नाश्ता जैसे कर लेते हैं. मम्मी पूरा हरा सब्जी ला के रख दी. हाँ मम्मी पूरा फ्रिज भर दी हरा सब्जी ला के, हम सब कुछ. मम्मी आटा भी एक्स्ट्रा सान गई ताकि रोटी हम लोग बना सके आराम से. बहुत नालायक साउंड कर रहा है ना हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसे है नहीं, हम लोग आता हर चीज़. थोड़ा ज़्यादा मम्मी पे डिपेंड है. तो जब नाश्ता कर लेते जल्दी से क्योंकि साथ हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है. तो मिलते हैं जब रेडी होंगे. एंड आई एम रेडी.
आज हम रेडी होते हुए अपना शूट नहीं किए हैं क्योंकि आज हम गेट रेडी विथ मी शूट कर रहे थे. सो डू वॉच दैट गेट रेडी विथ मी. आज हम ना फर्स्ट टाइम मतलब ये हम गेट रेडी विथ मी किए शूट, इससे पहले हम कभी नहीं कर रहे थे. बहुत शर्म आता था. तो आज हम थोड़ा बहुत मेकअप भी किए जो दिख रहा होगा, बहुत कम ही करते हैं तो आई डोंट नो. थोड़ा थोड़ा ब्लश लगाया है एंड अच्छे से किए सब कुछ और इयर रिंग वगैरह पहन लिए. एंड दिस इज़ माई यूनिफॉर्म, जो आप लोग ऑलरेडी पता है कि मेरा यूनिफॉर्म क्या है, बट लेट मी शो यू. दिस इज़ मी. यूनिफॉर्म पहन लिए, रेडी हो गया, शूज़ वगैरह ही पहन लिए, बस अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट में निकलेंगे हम. तो पानी वानी पी लेते, बॉटल भी रख लेते, बैग भी हम अरेंज कर चुके हैं अपना. दिस इज़ माई बैग. आज हम छोटा बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि बड़ा वाला बैग जो है वो मेरी दी लेके गई है. तो बैग भी अरेंज कर लिए एंड पानी पी लेते हैं, बॉटल भी भर लेते हैं, बस फिर क्लास में प्यास लगता है और फिर वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता बाहर से पानी पीने का, तो हम अपना बॉटल भी भर लेंगे अभी भर लेते हैं. और बैग लेके घूम रहे थे हम गेट रेडी विथ मी किया तो ये बैग को भी दिखाना था, उस चक्कर में हम बैग साथ में लेके घूम रहे हैं. मान है हम बहुत ज़्यादा. नाश्ता भी कर लिए, रेडी भी हो गए सब कुछ, बस थोड़ा सा और देखना है. यस दैट्स मी. जब पूरा बात बोल दिया और हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे. हम पिछले 30 सेकंड से पूरा बोले जा रहे और हम रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किए थे. बस ये बट यस दैट्स मी, जो कि हाफ एन आवर अभी 10-15 मिनट बचा था. हमको थोड़ा सा एक दो टॉपिक है बस वो देखना है. एंड ये ट्रॉली सारा हम अरेंज कर दी, जो जो हम लोग को लेके जाना है. इतना सारा नहीं ले जाना, पैनिक नहीं होना, बस आगे का वो जो 3 है ना वो लेके जाना हम लोग को, तो वो सब लेके जाना है. एंड अगर वहाँ पे जाके हमको टाइम मिला तो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो कि मिलता है हमको. बट वहाँ बहुत शर्म आता है रिकॉर्ड करने में, सब देखने लगते हैं ऐसे कि अरे क्या करें क्या करें, बट स्टिल हम फिर भी करते हैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड. सो डू लाइक, इस चीज़ के लिए तो लाइक करना चाहिए एंड सब्सक्राइब भी करिए. एंड हम एग्ज़ाम से आके मिलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया. बस आज वाला भी अच्छा गया जैसा पहला 2 एग्ज़ाम गया. एंड आई एम जा रहे हैं, हम भाई आ गया तो अब हम निकल रहे. मतलब ऐसा नहीं कि भाई का वेट कर रहे थे, बट भाई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, वो आके उसका 12 बजे तक एग्ज़ाम था और 12 बजे से अब हम निकल रहे हैं. हम मास्क पहले ही लगा ली क्योंकि पता नहीं क्यों बस लगा ली. बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा बाल पूरा ना आते हुए पसीना से पूरा चिपक गया था. और अभी हालत ऐसा इतना ज़्यादा आज गर्मी इतना ज़्यादा ना, बट हम पहुँच गए और अब जा रहे क्लास में. देख भी लिए सीटिंग अरेंजमेंट का है. मिलते एग्ज़ाम के बाद, बाय बाय. मेरा एग्ज़ाम हो गया और वेट कर रहे हैं. आज हमको बहुत शर्म आता, हम नहीं करेंगे लोग यहाँ पे, पता नहीं क्यों हमको बहुत शर्म आता है. हम आ गए और आके हम फ्रेश हुए. हम इतना ज़्यादा थक गया था ना कि हम आके पहले तो लेट गया, अभी शायद 6 बज रहे हैं. हाँ हम आ गए थे 5 बजे तक, 5:15 तक आ गए थे हम, पर आके हम लेट गए और आधे घंटे तक हम लेटे रहे. भाई अभी बना के दिया है कॉफ़ी, तब जाके उठे. अब जा रहे छत पे, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे. अभी थोड़ा लाइट भी है तो हम छत पे रिकॉर्ड भी कर लेंगे थोड़ा सा. एंड हम लोग आगे छत पे, ये रंशु और भाई अभी छत पे आए हैं तो हम पहले पानी वानी पी लेते. और ये लोग हम अपना एग्ज़ाम का बता रहे कि कैसे कितना लोग रस्टिकेट हो आज क्लास में. बहुत सारे लोग रस्टिकेट हो, सब इतना चीटिंग करता है ना, चुटका ले लेके सब बैठ जाता है. मेरे आगे वाली तो इतना ज़्यादा चुटका लेके आती है, गुस्सा आ जाता है हमको उसको देख के. और आज के टीचर लोग सबके कॉपी पर ना मतलब ऐसे चिट मतलब लिख करके रस्टिकेट और स्टेपल करके दे दिए उन लोगों. मतलब एक तो इंसल्ट, ठीक है, दूसरा आपको नॉलेज नहीं मिल रहा, तीसरा कि आपका मतलब घर में क्या जवाब दोगे, दीदी मम्मी पापा ये लोग पूछे क्या जवाब दोगे भाई साहब. इसलिए हमको समझ नहीं आता वो लोग का. हम जा रहे चाय पानी पियेंगे एंड देन ये कॉफ़ी जो मेरा भाई बना के दिया है, मेरा प्यारा भाई, वो कॉफ़ी पियेंगे और वॉक करेंगे. तो अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे एंड अगर घर में जाके टाइम मिला तो करेंगे रिकॉर्ड, नहीं तो हमको नहीं लगता टाइम मिलेगा. बट लेट्स सी, बट अगर नहीं मिला टाइम मिला तो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड 200 सब्सक्राइबर होने वाला है मेरा, 199 हो गया, आई होप आज हो जाए.